नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिशन स्पेशलिस्ट, काउंसिलर हूँ और हमारा खुद का हॉस्पिटल है केळकर हॉस्पिटल, जो अकोला में स्थित है। पिछले 4 साल में एज अ साइकेट्रिस्ट मैं काम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है बायपोलर मूड डिसऑर्डर। बायपोलर मूड डिसऑर्डर, जैसे पृथ्वी के ग्लोब के 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही ये बीमारी के भी 2 पोल्स है। एक तो मेनिया और दूसरा है डिप्रेशन। बायपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है कि वो व्यक्ति 2 पोल के बीच में, मतलब मेनिया और डिप्रेशन, ये 2 पोल में खेलते रहता है और ये दोनों बीमारियां उनको अल्टरनेटिंग या एक ही बीमारी बार बार गैप गैप से होती रहती है। होता क्या है, ये बीमारी जल्द पकड़ में आती नहीं है, तो पेशेंट के रिलेटिव्स को और पेशेंट को ऐसा लगता है कि इसमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हुई तो आपने जल्द से जल्द साइकेट्रिस्ट को मिलकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बेसिकली बायपोलर मूड डिसऑर्डर में होता क्या है, तो जो मैं जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी के 2 पोल्स है, एक है मेनिया और दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, डिप्रेशन में मायूस लगना, होपलेस लगना, काम में मन न लगना, सैडनेस लगना, आत्महत्या के विचार आना, कोई काम करने की इच्छा न होना, भूख न लगना, प्यास न लगना, नींद लगना, वजन कम होना, ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई बराबर तो धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ने लगती है और बाद में पेशेंट को, वो व्यक्ति को आत्महत्या के भी विचार आते हैं। ये हो गया एक पोल डिप्रेशन। जो दूसरा पोल है, डिप्रेशन के बारे में तो सभी लोगों को पता है, जो दूसरा पोल है वो है मेनिया। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेनिया में हैं, लेकिन क्योंकि इनके रिलेटिव्स को ये मालूम ही नहीं कि ये बीमारी है, इसलिए वो पकड़ में आती नहीं है। मेनिया में होता क्या है, मेनिया में पेशेंट ज़्यादा खुश होने लगता है। पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि हर कुछ इजीली पॉसिबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के साथ उठना बैठना करता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरी हीरोइन से शादी हुई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बंगले है, गाड़ी है, प्रॉपर्टीज़ है, मेरे पास बेस्ट से बेस्ट जगह मैं जा सकता हूँ, वहाँ मैं ऐश कर सकता हूँ। ऐसे अलग अलग प्रकार के उच्च विचार, हाई लेवल के विचार वो व्यक्ति को आने लगते हैं। ऑल्दो जब हम रिलेटिव से कंफर्म करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि इसमें कोई भी प्रकार की सत्य घटना नहीं है, ये खाली दिमाग के वहम के कारण ऐसे विचार वो व्यक्ति को आ रहे हैं। बेसिकली मेनिया और डिप्रेशन अगर देखा जाए तो 3-4-6 महीने में धीरे धीरे कम होकर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, यदि मेनिया या डिप्रेशन में वो व्यक्ति ऐसा कोई कदम उठा लेता है जिससे उसकी खुद की जान खतरे में आ सकती है या रिलेटिव्स की जान खतरे में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट मेनिया में हो तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे अगर साइन कर देगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके वो प्रॉपर्टीज बेच देगा, पैसे उड़ा देगा, तो वो व्यक्ति बैंक्रप्ट हो सकता है और वही प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं जो 1-2 दिन में मेनिया में होने के कारण 1-2 दिन में बैंक्रप्ट हो गए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी चली गई। रिलेटिव्स को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये एक प्रकार की बीमारी है, इसमें ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। बायपोलर डिसऑर्डर बहुत लोगों को अपने पूरी दुनिया में है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये दावा है कि 1-2% लोगों को ये बीमारी हमारे पूरे इंडिया में है। इसकी ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट के पास उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति को अगर बायपोलर डिसऑर्डर होता है, मेनिया मतलब हाई लेवल और डिप्रेशन मतलब लो लेवल, कोई भी बीमारी अगर वो व्यक्ति को होती है तो इसकी ट्रीटमेंट अगर साइकेट्रिस्ट के पास लेते हैं आप, तो पेशेंट पूरी तरह अच्छा हो सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है और आगे वीडियो में बताऊंगा। ये थी जानकारी बायपोलर डिसऑर्डर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।